सनराइजर्स हैदराबाद आई पी में ऑन पेपर काफ़ी बढ़िया लग रही थी लेकिन ऑन फील्ड उस तरीके की खास पोह नहीं दे पाई ये टीम लेकिन टीम ने आई पी की रिटेंशन में बहुत ही अच्छा काम किया जहाँ पर उसी कोर को इन्होंने मेंटेन किया और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन किया और बहुत ही कम खिलाड़ियों को इन्होंने रिलीज करा और ऐसे में उनका जो पूरा कोर है वो रेडी दिखता है और ऐसे में आखिरकार आई पी में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम किन किन खिलाड़ियों को टारगेट करने वाली है इसके बारे में आज की वीडियो में फुल डिस्कस करेंगे वीडियो काफी तो 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 अभिषेक शर्मा एक साथ होंगे दूसरा ओपनर इनके पास मैक अग्रवाल का बड़ी ऑप्शन है लेकिन शायद स्टार्ट नाउन करें उनसे नंबर तीन पर हलपटी चार पर एडन मार्ग पांच पर हैरिकलासन छह पर शाहबाज अहमद जिनकी ट्रेड इन्होंने करी सात पर मार्को जानसन आठ पे वॉशिंग्टन सुंदर

बैलेंस और यहां पर स्लॉट्स इनको काफी कम बनने कई सालों से नहीं खेला है लेकिन यहां कैपेबिलिटी हमें तो बहुत ही अच्छा इनका वर्ल्ड कप रहा था एज कैप्टन बढ़िया पहुंच दी एज गेंदबाज भी फाइनल में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर है पैट कमिंस जो बल्ले से भी अच्छा योगदान दे सकते हैं और गेंदबाजी भी बढ़िया कर लेते हैं और आईपीएल में कई बार बैटिंग से भी बहुत ही अच्छी अच्छी नॉक्स इन्होंने खेल रखी है तो यहाँ पर ऐसे की टीम पैट कमिंस मिचेल स्टार्क इन दोनों में से किसी एक को टारगेट करना चाहती है तो इजीली वो टारगेट कर पाएंगे और ऑक्शन में वो उनके पीछे जा सकते हैं और अपने टीम में भी वो उनको शामिल कर पाएंगे अगले टारगेट की बात करें अगले ओवरसीज बैट्समैन की बात करें वहां पर नाम है ट्रेविस हेड का जो ओपनिंग का जो स्लॉट हमने खाली बताया था वहां पर इनके लिए ऑप्शन जरूर है मयंक अग्रवाल का लेकिन लास्ट ईयर उतनी खास फॉर्मस उनकी नहीं थी और उनको ड्रॉप भी कर दिया गया था तो टीम इनके पीछे जा सकती है अभिषेक शर्मा के साथ यहां पर ट्रेविस हेड इनके लिए एक बहुत ही अच्छे ओपनर हो सकती है बहुत ही अटैकिंग ओपनर है ये नहीं कि ये लॉन्गर फॉर्मेट में ही अच्छा प्रदर्शन करता है टी ट्वेंटी भी इनकी अच्छी खासी पहुंच आई है पिछले दो आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में बहुत दी है तो ये एक बात तो अच्छी तरीके से दिखा दे कि बड़े मैच में ये बढ़िया कर सकते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इनकी तरफ भी जा सकती है और मेरे हिसाब से जाना भी चाहिए तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ये इन बड़े बड़े प्लेयर्स को ऑप्शन में हमें टारगेट करते हुए नजर आएगी टीम के पास स्लॉट फिल करने के लिए काफी कम यहां पर जगह है सिर्फ छह स्लॉट इनको फिल करने उसमें भी मैक्सिमम ये ट्राई करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया ओवरसीज खिलाड़ी मिल जाए जो तीन ओवरसीज लॉट है उसमें चौतीस करोड़ दो खिलाड़ियों के लिया और पर्स बैलेंस भी इनके पास बहुत ही अच्छा बन रखा है जिसे ये जिन जिन बड़े बड़े प्लेयर्स को चाहते हैं चाहे मिचल स्टार हो या फिर पैट कमिंस हो या फिर वन हसंगा को ये अगर टारगेट करना चाहते हैं अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे और टीम बहुत ही बढ़िया

रिटेन करा को करा है कोर को रिटेन और अब देखने लायक बात रहेगी ऑप्शन में और भी किन किन को ये टारगेट करते हैं आपकी क्या राय है वो आप कमेंट करके जरूर बताएगा तो आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर और चैनल पर नए हो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना